हेलो पीपल, हैप्पी दिवाली टू यू। ये मेरा छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए। मे यू हैव अ प्रॉस्परस एंड अ वेरी हैप्पी सेफ दिवाली दिस ईयर। एंड एक मैसेज दिवाली के विशेष के साथ साथ कुछ ऐसी एक दो चीज़ें हैं जिन पर शायद हम दिवाली सेलिब्रेशन में इतने हम खोए हुए रहते हैं, शायद इन चीज़ों पर हम लोग ध्यान नहीं देते। एक छोटा सा सोशल मैसेज। आई नो अभी सिटी में टाइम तो इलेक्शन का चल रहा है, तो मुझे I should be making people aware of voting, that they should go to vote. Fine भैया, वोट देने चले जाना। वोट देना भी ज़रूरी है, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आप दूसरे जिम्मेदार लोगों को चुनने का काम करते हैं, वो ज़रूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे जो आपको बताना है वो एक जिम्मेदारी आपकी अपनी स्वयं खुद की एक जिम्मेदारी है, उस पर आप ज़रूर ध्यान दें। हम लोग दिवाली वाले दिन शायद मंदिर जाते हैं, टेम्पल जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, चर्च जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, हम सब प्रे करते हैं। हम बहुत ज़्यादा इंडियन स्पेशली हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी प्रेयर्स को, हमारी आस्था को हम बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट हम ये भी कोशिश करें इस बार कि अपनी प्रेयर्स के साथ साथ सिर्फ प्रेयर, दो हाथ जोड़ के प्रेयर ना करके अपने एक हाथ से जितनी भी हम हेल्प किसी की भी कर सकते हैं वो घर से बाहर निकलें और ज़रूर हेल्प करें। हेल्प सिर्फ फिनेंशियली नहीं होती फ्रेंड्स, जैसे कि आप कई बार हम लोग देखते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के घर ना कई बार हम स्वीट्स भेज रहे होते हैं, रिलेटिव्स के यहाँ से स्वीट्स हमारे आ रही होती है, बट कई बार हम शायद अपनी ही लोकेलिटी में देखना भूल जाते हैं। कई बार शायद हम लोग अपने ही घर के बाहर वाले मेन रोड पे ध्यान देना बंद कर देते हैं, क्योंकि हम लोग शायद बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं उस दिन। इस बार क्यों ना हम हमारे घर के आसपास से स्टार्ट करें और हम वहाँ पर भी स्वीट्स भेजें जहाँ पर शायद स्वीट्स ना पहुँच पाए, जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली हम देखें कि किसी के घर, कोई ऐसा घर तो नहीं जहाँ पे दिया नहीं जल रहा है, एक दिया वहाँ ज़रूर जलाएं जहाँ पे जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन अफोर्डेबिलिटी लोग दिया नहीं जला पा रहे हैं, सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। हमारे घर से थोड़ी बहुत स्वीट्स, थोड़ी बहुत क्रैकर्स अगर बाहर किसी बच्चे के हाथ पहुँच जाएंगे, बच्चे तक पहुँच जाएंगे, किसी फैमिली में स्वीट्स पहुँच जाएगी, तो हमारी दिवाली शायद सक्सेसफुल सफल हो जाएगी। बहुत दुआएं मिलती हैं, आप सभी को बता दूंगा अगर कहीं पर हेल्प की जाए तो। कोशिश करें जो भी छोटी मोटी आप हेल्प कर सकें वो ज़रूर हेल्प करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग शायद एंजॉयमेंट में या बच्चों को एंटरटेन करने के लिए हम लोग क्रैकर्स वगैरह बहुत ज़्यादा बर्स्ट करते हैं, हाँ क्रैकर्स करें। आप, मैं यहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा सोशल मैसेज देने के लिए नहीं आया हूँ कि प्लीज़ डोंट बर्स्ट क्रैकर्स। दिवाली यार, दिवाली में क्रैकर्स नहीं, फटाके नहीं फोड़े तो फिर क्या फोड़ा, करेक्ट। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आप इन्जॉय करें, क्रैकर्स बर्स्ट करें, जितने क्रैकर्स बर्स्ट करना करें, लेकिन प्लीज़ ध्यान रखें आप ये क्रैकर्स कहाँ बर्स्ट कर रहे हैं, और आसपास ज़रूर ध्यान दें। हमें नहीं पता हर साल दिवाली पे, हर दिवाली की रात पे स्पेशली स्ट्रीट डॉग्स के साथ जो कंडीशन उनकी होती है, विच इज़ वेरी पैथेटिक, यू नो, नो वन इज़ देयर टू लुक आफ्टर देम। एंड हम लोग रोज़ रोज़ तो शायद कभी स्ट्रीट डॉग्स का इतना केयर नहीं कर सकते। शायद हमारे घर पे कोई पेट हो, शायद हम पेट ओनर नहीं हो, हमें पेट नहीं भी पसंद हो, एटलीस्ट हम ये कोशिश करें कि हमारे एंजॉयमेंट से किसी को भी किसी भी तरह कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। ट्रस्ट मी गाइस, जब क्रैकर्स वगैरह बर्न होते हैं इतना लाउड नॉइस होता है, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं या स्ट्रीट एनिमल्स हैं, शायद उस दिन इवन बर्ड्स, शायद उन लोगों को उस दिन ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग अपनी डेथ को आसपास एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोशिश करें एंजॉयमेंट जितना भी करें, जिस भी जगह पे करें, कोशिश करें कि उनको डिस्टरबेंस कम से कम हो। प्लीज़ फीड डॉग इफ़ यू कैन प्लीज़ फीड डॉग, इफ़ यू कांट एटलीस्ट ट्राई नॉट टू डिस्टर्ब देम। एंड हैप्पी दिवाली टू यू।